हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका RRB NTPC का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है, काफ़ी आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था, उससे ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे। क्योंकि जो भी आपके GK के, गणित के, रीजनिंग के और जनरल इंटेलिजेंस के जो भी आपके दूसरी शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों, आपके 9 से 10 सवाल अगले शिफ्ट में आपके रिपीट करने वाले हैं, अगले पेपर में आपके रिपीट करेंगे। क्योंकि दोस्तों, RRB NTPC में आपके सवाल रिपीट कर रहे हैं, तो गाइज इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देख लेते गाइज, एक एक सवाल को ट्रिक से कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में एक नौकरी लेना चाहते हो और ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, हमारा चैनल ट्रिक के लिए बहुत बेहतरीन चैनल है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। देख लेते हैं, सभी सवाल को ट्रिक से कर लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, दक्षिण मध्य साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? यह आपका सिकंदराबाद में है। देख लेते हैं अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो गाइज, ये आपका है आर्टिकल 51। इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल, एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो गाइज, ये आपका है यूपी में, जो कि गोरखपुर में है। देख लेते गाइज अगला सवाल, एक सवाल ये भी बेहतरीन पूछा गया, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो गाइज, इनका नाम था ममता बनर्जी। देख लेते गाइज अगला इंपॉर्टेंट सवाल, तो गाइज एक सवाल ये भी पूछा गया, सक्रिय ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? तो गाइज, ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिसके मुख में हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ निकलते हैं। तो गाइज, इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जो नीचे लाल कलर का बटन होता है, जो आपके सामने नीचे लाल कलर का बटन होता है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। एक सवाल पूछा गया, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। देख लेते गाइस अगला सवाल, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइस, ये है कर्नाटक, कर्नाटक राज्य। सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइस, ये आपका है केरला राज्य, केरल। इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल, हिकत किस राज्य का डांस है? हिकत आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य का एक डांस है। देख लेते गाइस अगला सवाल, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो गाइज, ये होता है 120 डेज। इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में। इम्पोर्टेंट सवाल था, ये भी करके चले जाएंगे। दोस्तों, मैं रीजनिंग और मैथ के सवाल को ट्रिक से कराऊंगा। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे। देख लेते गाइज अगला सवाल, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो गाइज, ये है आर्टिकल 148। इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज, ये हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। देख लेते गाइज अगला सवाल। तो दोस्तों, ये रीजनिंग का सवाल पूछा गया, इसको मैं काफ़ी आसान तरीके से बता देता हूँ। आपके पास में चार ऑप्शन है, इनमें बताना ओड कौन सा होगा, अलग कौन सा होगा। क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे 5 और 6 11, 11 और 9 20 और 8
28, इनका जोड़ हो जाएगा 28, इनका जोड़ हो जाएगा 28, इनको जोड़ने पर भी 28 आएगा, आप जोड़कर देख लेना, इनको जोड़कर आएगा 27। तो गाइज इसमें ऑप्शन आपका अलग हो गया, डी ऑप्शन। तो दोस्तों जो बच्चे डी ऑप्शन मार के आ गए उनका करेक्ट आंसर हो गया। आप इस तरीके से ये सवाल करके आ सकते थे, ठीक है गाइज, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, किसी कोड भाषा में टावर का कोड होता है ये वाला, और आर टेल का कोड क्या होगा। लॉजिक चेक कर लेते हैं पहले। टावर का कोड दिया गया है हमें ओ टी ई डब्ल्यू आर। लॉजिक क्या लगाया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, और इसको नीचे लिख दिया। यही लॉजिक लगा लेंगे आर टेल में। इसमें क्या करेंगे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, और इसको नीचे। क्या करेंगे, टी को इधर, आर को इधर, आई को इधर, ए को इधर, और एल को नीचे, एल को नीचे लिख देंगे। तो गाइस जो बच्चे ये सवाल का राइट आंसर ए ऑप्शन मार के आए उनका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग ये सवाल कर सकते थे। दोस्तों ऐसे ही लॉजिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे भी। 2021 में एक नौकरी मैं आपको दिलाने वाला हूँ। और जिस बच्चे को मम्मी पापा का सपना पूरा करना है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। जो नीचे लाल कलर का बटन होता है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है आप लोगों के लिए। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, किसी कोड भाषा में हार्ड को लिखा जाता है ऐसे, सॉफ्ट को लिखा जाता है ऐसे। तो गाइस पूछ रहे हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। तो गाइस हम लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे, पहले आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है, यहीं से उठाना है और यहीं पर लिख देना। क्या करेंगे, इसका हमें लेटर निकालना। क्या करेंगे, 21448। तो गाइस यहाँ पर देख लो इसने 2 को क्या लिखा है, 2 को लिखा है गाइस इसने S, तो यहाँ पर S रख देंगे। 1 को क्या लिखा है इसने, 1 को लिखा है गाइस H यहाँ पर रख देंगे। 4 को क्या लिखा है इसने, 4 को लिखा है गाइस इसने O, दो बार O लिख देंगे क्योंकि 4 यहाँ पर दो बार है। 8 को क्या लिखा है इसने, 8 को लिखा है T, यहाँ पर T रख देंगे। तो दोस्तों जो बच्चा यहाँ पर सी ऑप्शन मार के आ गया उनका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग ये सवाल कर सकते थे, ये बेहतरीन सवाल आप कर सकते थे। आगे के आने वाले सवाल इतने बेहतरीन है, 100% आपको यहाँ से 2 से 3 सवाल मिलने वाले हैं। जल्दी से इन सवालों को भी देख लेते हैं और ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। एक सवाल ये पूछा गया, जो आपके सामने ये वर्ड दिए गए इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है, यानी इनको शब्दकोश के क्रम में लगाना है, कैसे लगाएंगे। सभी में यहाँ पर PRO कॉमन है, PRO कॉमन है, PRO कॉमन है, इनको लिख लेंगे। ABCD में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है B, तो B यहाँ पर रख देंगे प्रॉब्लम। उसके बाद में क्या आता है, J, मतलब जैसे B के बाद में CDEFGHIJ आएगा, J में यहाँ लिख देंगे प्रोजेक्ट, ठीक है गाइस। अगला क्या आएगा, अगला आएगा P यानी प्रॉपर्टी। अगले में क्या आएगा, T यानी प्रोटीन। अगला क्या आएगा, अगला आएगा आपका प्रोवर्ब, आखिरी में बच जाएगा। तो लॉजिक क्या लगा, ये आपका दूसरे नंबर पे है, ये आपका पांचवें नंबर पे है, ये आपका चौथे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे, ये तीसरे पे। अगर आपको ये कोड ऑप्शन में मिल गया यही करेक्ट आंसर चला जाएगा 25413, यानी जो बच्चा डी ऑप्शन मार के आ गया उनका राइट आंसर हो गया। यस, इस आसान सवाल को सभी बच्चे आराम से कर सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते हैं, जल्दी से मैं आपको करा देता हूँ। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप अपने मम्मी पापा का 2021 में सच में अपना सपना पूरा करना चाहते हो, ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए गणित और रीजनिंग को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सभी वीडियो आपको यहीं पर मिल जाया करेगी, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जीके ट्रिक, मैथ ट्रिक, कितनी जो भी ट्रिक हो आपकी, साइंस की ट्रिक,
इतिहास की ट्रिक, सभी ट्रिक आपको यहीं पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले शिफ्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।